चलो गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम लोग बीसी के अपने टॉपिक पढ़ रहे थे बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। हम लोगों ने क्या पढ़ा बीसीके के बारे में, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा था बच्चों, जिसमें हमारा इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन सब का डिस्कशन हमारा बाकी था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज, हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अच्छा, क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी और क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके मीनिंग पर बच्चों। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, किसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं? देखिए बच्चों, कह रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक गेन। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू ह्यूमन एक्टिविटी। ये कैसा एक्टिविटी है बच्चों? तो ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है, रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। कहने का मतलब बच्चों कि वैसी एक्टिविटी जिसमें हम लोग प्रोडक्शन और कंजम्पशन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का। क्यों? ताकि हमें कोई इकोनॉमिक गेन हो जाए। इसका मतलब बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा मोटिव होता है इकोनॉमिक गेन का। जबकि बच्चों अगर हम नॉन इकोनॉमिक पे बात करें, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एक्टिविटी परफॉर्म ग्लैडली। बच्चों ये हैप्पीनेस के ग्राउंड पे आप परफॉर्म करते हो विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर्स विदाउट एनी रिगार्ड टू मॉनेटरी गेन, बिना मॉनेटरी गेन के। कहने का मतलब बच्चों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा मोटिव मॉनेटरी गेन नहीं होता। हमारा जो एम है बच्चों वो मॉनेटरी गेन नहीं होता, जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा मोटो इकोनॉमिक गेन है। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम इकोनॉमिक गेन करना चाहते हैं, जबकि यहां हमारा कोई भी मॉनेटरी गेन नहीं होता। यानी बच्चों ये ऑन द ग्राउंड ऑफ हैप्पीनेस, ऑन द ग्राउंड ऑफ सेटिस्फैक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं। क्लियर है बच्चों? पहला डिफरेंस आपको मीनिंग के ग्राउंड पर क्लियर है? कम्युनिकेट करो बच्चों, हाँ ना? ओके ओके, यस सर। उसके बाद आते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा बच्चों मोटिव के ग्राउंड पर। अच्छा, मोटिव के ग्राउंड पर हम समझेंगे कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा मोटिव क्या है और नॉन इकोनॉमिक में हमारा मोटिव क्या है। देखिए क्या बोलता है इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव हमारा जो है बच्चों यहाँ टू अर्न मनी। अच्छा, हम मनी क्यों अर्न करना चाहते हैं? लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए। अच्छा, ऐसे तो कहा जाता है बच्चों कि दिस मोटिव इज बेसिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है बच्चों ये यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग पैसा अर्न करने के लिए इन्वॉल्व है, लेकिन अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक में, नॉन इकोनॉमिक में तो यहां हमारा मोटो है सोशल, साइकोलॉजिकल मोटिव है बच्चों। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं बच्चों? ताकि हम नेचुरल अफेक्शन के ग्राउंड पर परफॉर्म करते हैं। जैसे बच्चों आपको स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मम्मी को आपके लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। बच्चे हम लोगों की मम्मी हम लोगों के लिए खाना बनाती है। तो यहाँ बच्चों कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं है, यहाँ कोई मॉनेटरी गेन नहीं है, बस क्या है बच्चों तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। आई बात समझ में बच्चों? जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ रहे होते हैं। बच्चों जरूरी नहीं कि उनका इकोनॉमिक मोटिव हो, उनका पैशन हो सकता है। तो ये नॉन इकोनॉमिक है बच्चों। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा हुआ ड्राइविंग फोर्स। कहने का मतलब बच्चों कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्यों इन्वॉल्व हैं?
किस वजह से है? तो कहता है बच्चों, रैशनैलिटी और सेल्फ इंटरेस्ट, रैशनैलिटी और सेल्फ इंटरेस्ट। जबकि बच्चों नॉन इकोनॉमिक में कहता है कि इमोशन, इमोशनल एंड सेंटिमेंटल रीजंस के कारण, इमोशनल और सेंटिमेंटल रीजंस के कारण। समझे बच्चों? मतलब आपके अंदर इमोशंस है, सेंटिमेंटल कॉसेस है, इसलिए आप नॉन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। आप किसी की मदद कर रहे हो बच्चों, आप सोशल वेलफेयर में इन्वॉल्व हैं। क्यों? आपके अंदर इमोशंस, आप इमोशनल ग्राउंड पे कर रहे हैं, आप सेंटिमेंटल ग्राउंड पे परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपल। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों मेजरमेंट के ग्राउंड। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना बच्चे, ये हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कभी भी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किए जाते। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा होगा, आप नोटिस कीजिएगा बच्चों। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बात करते हैं तो ये बड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच रखता है, मतलब बच्चों प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, प्रैक्टिकल इन नेचर, प्रैक्टिकल इन नेचर। लेकिन ये आइडियलिस्टिक इन नेचर जो नॉन इकोनॉमिक है, ये आइडियलिस्टिक इन नेचर। चलिए बच्चों, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है बच्चों हम लोगों का, प्रैग्मेटिक और आइडियलिस्टिक। बच्चों ये जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ये हमेशा प्रैग्मेटिक इन नेचर है, ये प्रैक्टिकल इन नेचर है भाई साहब, प्रैक्टिकल इन नेचर है, और ये आइडियलिस्टिक इन नेचर है। चलिए बच्चों, आप लोग हमेशा फोन को हॉरिजॉन्टल करके पढ़िएगा, ताकि स्क्रीन आपको बड़ा हो जाए। आप फोन को वर्टिकल मत रखिएगा, हॉरिजॉन्टल फोन को कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्या कहता है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स। पता है बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा वेल्थ के क्रिएशन और एसेट्स के क्रिएशन में मदद करती है, जबकि अगर हम नॉन इकोनॉमिक पे बात करें तो सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस के लिए ये काम हम करते हैं। हमारा मोटिव होता है सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, लेकिन बच्चों इकोनॉमिक में हम क्रिएशन करना चाहते हैं वेल्थ और एसेट्स। उसके बाद देखिएगा बच्चों, सवाल ये आपसे पूछता है कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी नेशनल इनकम में कोई एडिशन करता है भला? आपका जवाब होना चाहिए बच्चों हाँ, बिल्कुल हाँ। बच्चों नेशनल इनकम में एडिशन होता है भाई साहब, बिल्कुल होता है। जीडीपी बढ़ता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ते हैं, नेशनल इनकम बढ़ता है देश का। लेकिन बच्चों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से, कहीं से भी बच्चों कंट्री का कोई नेशनल इनकम नहीं बढ़ता है भाई साहब, नहीं इंक्रीज होता है। सिंपल सिंपल, आई बात समझो। अच्छा, एक और ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है बच्चों, रनिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंटरप्राइजेस, बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी, प्रैक्टिसिंग एज अ प्रोफेशनल। ये क्या है बच्चों? प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोफेशंस चलाना इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई बात समझना? लेकिन बच्चों अगर हम कोई सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, रिलीजियस, कल्चरल, पर्सनल, रिक्रिएशनल, चैरिटेबल, पैट्रियोटिक एक्टिविटीज, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, वो एक्टिविटी तो है बच्चों लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई बात समझ में बच्चों? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बच्चों उससे कोई इनकम जनरेट नहीं होता है नेशन में। चलिए, तो ये बच्चों कुछ बेसिक डिफरेंस है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो ये हम लोगों ने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बीच एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस समझा बच्चों, और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अच्छा, अब कुछ नोट वर्डिंग पॉइंट्स है, इसको समझते हैं। देखिए क्या कहता है बच्चों, कहता है
इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव एन इकोनॉमिक डायमेंशन. बच्चों जब तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे होगे तो तुमको ये 100% दिखेगा. अच्छा इसका मतलब समझो बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी परफॉर्म करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी परफॉर्म करने के लिए, समझे बच्चों? अब देखिए बात समझिए, मान लीजिए बच्चों हमको किसी का सोशल वेलफेयर करना है, चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करना है, बच्चों क्या उसके लिए हमें इकोनॉमिक डायमेंशन की जरूरत नहीं है? आप सोचो बच्चों, अगर हमारे पास खुद पैसा ना हो तो हम किसी का कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो इसलिए कहता है बच्चों, इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव एन इकोनॉमिक डायमेंशन. बच्चों आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो चैरिटेबल हॉस्पिटल, जैसे आप ले लो बच्चों महावीर कैंसर संस्था. बच्चों वहां का एक्सपेंस कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उठा रहा है ना बच्चों. तो नॉन इकोनॉमिक के लिए भी किस चीज का होना जरूरी है? बच्चों नॉन इकोनॉमिक के लिए भी किस चीज का होना जरूरी है? इकोनॉमिक का सर. इकोनॉमिक का. चलो आगे देखिएगा बच्चों, कहता है सिंस टाइम मनी एंड मटेरियल रिसोर्स आर नीडेड टू मेक दिस हैपेंस. समझे बच्चों, मटेरियल रिसोर्स और मनी रिसोर्स होना जरूरी है, तभी आप नॉन इकोनॉमिक ऑपरेशंस को इनिशिएट कर सकते हैं ना बच्चों. आप किसी का हेल्प कर सकते हैं, आप चैरिटेबल पर्पस, रिलीजियस पर्पस, सोशल पर्पस कंटिन्यू कर सकते हैं. चलो अब आते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सर इकोनॉमिक एक्टिविटी के कुछ फीचर्स पे बात करेंगे, ठीक है? चलो होप सो प्रीवियस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. बात करते हैं बच्चों कि फीचर्स क्या है. तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कुछ अपनी कैरेक्टर है क्या? बिल्कुल है बच्चों. इकोनॉमिक एक्टिविटी बच्चों इनकम जनरेशन में मदद करता है. बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो, बिजनेस, प्रोफेशन, सर्विस, इट हेल्प्स इन अर्निंग मनी. अर्निंग मनी बच्चों, विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज सर्वाइव करना डिफिकल्ट है बच्चों. अ लिविंग इज पॉसिबल विथ मनी इनकम एंड अर्न फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इसलिए कहता है बच्चों कि इनकम में भी जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ, बच्चे जो इनकम है वो काइंड में भी हो सकता है और पैसे के रूप में भी हो सकता है. समझे बच्चों? जैसे मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपके एम्प्लॉयर आपको हाउस फैसिलिटी, एकोमोडेशन फैसिलिटी देता है, रहने के लिए घर प्रोवाइड किया है. समझ रहे हैं? घर प्रोवाइड किया है. तो कहने का मतलब बच्चों कि इनकम जरूरी नहीं है बच्चों कि पैसे के ही फॉर्म में होगा, ये काइंड में भी हो सकता है बच्चों. अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि क्या इनकम हमेशा मनी के फॉर्म में होगा, आंसर होगा बोथ मनी एंड काइंड. चलिए अच्छा बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी का दूसरा जो सबसे बड़ा फीचर है वो है सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स. बच्चों आज आपकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, फूडिंग, शेल्टर, क्लोदिंग, दवाइयां, कपड़े, मिठाइयां, जो भी है बच्चों, ये कैसे पूरा हो रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बच्चों कोई कंपनी दवा क्यों बना रही है? क्योंकि उसे पैसे कमाने, आपकी जरूरत पूरी हो रही है. तो सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वॉन्ट्स बच्चों, ह्यूमन वॉन्ट्स आपका पूरा होता है. देखिएगा बच्चों, कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज सीक टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, ये ह्यूमन नीड्स को पूरा करता है, प्रेजेंट और फ्यूचर. बच्चों अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा, अब एक ऑब्जेक्टिव आपको दिखा होगा बच्चों कि इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों नीड्स को पूरा कर रहा है. समझे बच्चों? जब आप पैसा बचाते हो बच्चों, सेविंग करते हो, तो आप सेविंग क्यों करते हो बच्चों? कोई भी इंसान सेविंग क्यों करता है? फ्यूचर नीड के लिए. अच्छा क्या बचाता है बच्चों? तो पैसा.
पैसा कैसे आया, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से, समझ रहे? इसलिए हम लोग कहते हैं बच्चों सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वॉन्ट्स, उसके बाद बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटी। बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे देश के प्रोडक्टिव और प्रोडक्शन एक्टिविटी में काफी बड़ा मदद करता है बच्चों, एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, आप कह सकते हो ह्यूज कंट्रीब्यूशन है बच्चों। आई बात समझ में? कहता है बच्चों कि प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नीड सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों प्रोडक्शन इकोनॉमी में उसी गुड्स का क्रिएशन कर रहा होता है जिस गुड्स की नीड है सोसाइटी को, और जो लोगों को सेटिस्फाई कर सकेगा। आई बात समझ में बच्चों? अच्छा, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, ये आप सोच रहे होंगे बच्चों। बच्चों प्रोडक्शन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इंक्लूड्स फार्मिंग, प्रैक्टिस ऑफ क्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट है बच्चों, पॉटरी, आपने देखा होगा बच्चों कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, दीपावली के लिए दिया बनाते हुए बच्चों, टेक्सटाइल्स हो गई, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट हो गया बच्चों, सर्विस हो गया, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टीचिंग्स, मेडिकल स्टोर, अकाउंटेंसी वर्क, ये सब बच्चों कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का पार्ट है। इसलिए हम कहते हैं बच्चों कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री में देश में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को प्रमोट करता है, सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स को पूरा करता है और इनकम जनरेशन में मदद करता है। चलिए बताइए क्या यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए बच्चों कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक बार आप लोग सेल्फ पहले रीड कर लीजिए बच्चों, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम बताएंगे। इस तीन पॉइंट को एक बार आप खुद से पढ़िए पहले। चलिए उसके बाद आते हैं बच्चों। कहता है बच्चों नेक्स्ट फीचर्स में कहता है, ध्यान से सुनिएगा, सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड। बच्चों तुम सोचो ना, अगर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता बच्चों तो प्रोडक्शन नहीं होता, और प्रोडक्शन नहीं होता बच्चों तो क्या सप्लाई प्रमोट होता बच्चों, सप्लाई इंक्रीज करता? बच्चों अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता और आप कंजम्पशन नहीं करते तो क्या डिमांड साइड को प्रमोट करता बच्चों? नहीं करता। इसलिए क्या कहता है, सिंपल से देखिएगा बच्चों, एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि प्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, whereas consumption represents demand side of economics. समझे बच्चों? इसलिए economic activity economy में production side और demand side दोनों को promote कर रहा होता है। अच्छा, फिर कहता है बच्चों wealth producing economic activity बच्चों सबसे ज्यादा support किस चीज में कर रहा है, तो wealth के production में, वेल्थ को बढ़ाने में, वेल्थ को प्रोड्यूस करने में, एसेट्स जनरेट करने में, क्योंकि बच्चों प्रोडक्टिव एक्टिविटी से इनकम जनरेट होता है और इनकम के जनरेट होने से इकोनॉमी में वेल्थ जनरेट होता है, सिंपल सी बात। जैसे बच्चों मान लो एक किसान है बच्चों, जब ये वेजिटेबल्स को ग्रो करता है फॉर हिज फैमिली और बचे हुए पार्ट को वो मार्केट में सेल कर देता है बच्चों, तो ये इनकम कहीं ना कहीं इस फार्मर्स को हेल्प कर रहे होते हैं क्या करने में, वेल्थ जनरेट करने में। चलिए उसके बाद एक बहुत रिमार्केबल पॉइंट है बच्चों, कहता फैक्टर इनपुट, फैक्टर इनपुट इनकम एंड स्पेंडिंग। बच्चों अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती तो क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जनरेट होता बच्चों, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या? नहीं होता। तो बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्रिएट किया,
जैसे बच्चों जब हम लोग फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना बच्चों प्रोड्यूसर्स को, जब हम लोग किसी प्रोड्यूसर्स के यहाँ वर्क करते हैं बच्चों, काम करते हैं, तो बदले में क्या मिल रहा होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को? रेंट मिलता है बच्चों, वेजेस मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है और प्रॉफिट मिलता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि इकोनॉमिक एक्टिविटी फैक्टर इनपुट और फैक्टर इनकम को इकोनॉमी में जनरेट करता है। याद है बच्चों आपने 12th क्लास में नेशनल इनकम में पढ़ा है सर्कुलर फ्लो और रियल फ्लो, यही तो होता है बच्चों। हाउसहोल्ड सेक्टर बच्चों सर्विस प्रोवाइड करती है और प्रोड्यूसर सेक्टर हमें इनकम प्रोवाइड करता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग कह सकते थे बच्चों कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। बच्चों कौन हेल्प कर रहा है हमें? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे बच्चों? जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है बच्चों, म्यूचुअल फंड्स है, डीलर इन स्टॉक मार्केट है, रियल स्टेट है, गोल्ड है, आर द चैनल थ्रू विच सेविंग आर कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। इन्वेस्टमेंट और वेल्थ में इसको क्या कर सके हम? कन्वर्ट कर सके। यहां तक आपको क्लियर हुआ बच्चों? सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। सोचो बच्चों अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती तो क्या स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट ग्रो होता बच्चों? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ने बच्चों स्टॉक मार्केट, रियल स्टेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, नॉन बैंकिंग कंपनीज को पैदा किया बच्चों। क्योंकि बच्चों हम लोग इनकम को स्पेंड करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है बचाते हैं, और बच्चों सेविंग ने इन सब सेक्टर्स को जन्म दिया और इंटायर इकोनॉमी रन करती है ना बच्चों। आगे चले, क्या समझे बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री में इन्वेस्टमेंट और सेविंग और वेल्थ के क्रिएशंस को प्रमोट कर रही है। फिर बात करते हैं बच्चों डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। बच्चों बिजनेस सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बच्चों बहुत ज्यादा हेल्प करती है, यानी कहा भी जाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आल्सो बिकम अ बेसिस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बच्चों अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा तो सोसाइटी में जो बेसिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, वो नहीं हो सकता बच्चों। जैसे ही हमारी पुरानी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है बच्चों, जैसे जैसे हमारा बॉन्ड्स पूरा होता है नया बॉन्ड्स जनरेट होता है ना, आई बात समझ में? इसलिए कहता है बच्चों कि इकोनॉमिक रिसोर्स आर नाउ इंप्लॉयड टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड दिस प्रोसेस helps in generating employment avenues and utility of money income बच्चों। और बच्चों इससे सोसाइटी का एक सोशल डेवलपमेंट होता है, आई बात समझ में? तो बच्चों अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता ना तो सोसाइटी का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं होता, आई बात समझ में? तो ये कहीं ना कहीं बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को क्रिएट करती है, क्योंकि बच्चों जब तुम्हारी जरूरतें बढ़ती हैं तो इसको एंटरप्रेन्योर और प्रोड्यूसर्स पूरा करने के लिए फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, इकोनॉमी में और ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और इस तरीके से इकोनॉमी का क्या होता है? ग्रोथ होता है। आई बात समझ में? चलिए अब इन चार पांच पॉइंटों को आप एक बार पहले सेल्फ आप लोग रीड कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कशन करेंगे। चलिए बच्चों होप सो टॉपिक यहां तक क्लियर होगा, हम लोग आगे चलते हैं। ओके चलिए बच्चों, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस के मीनिंग को। अब थोड़ा सा एकदम ब्रॉड सेंस में पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या है। अच्छा बच्चों आप 11 जैसा मत सोचना,
11th क्लास में तो पढ़े हैं सर व्हाट इज बिजनेस, नहीं रे पापा वैसा नहीं पढ़ना है, चीजों को थोड़ा अलग तरीके से समझना है। देखिए बच्चों आइए अब हम लोग समझ लें कि बिजनेस का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का मतलब क्या है बच्चों और ऑब्जेक्ट क्या है। पता है बच्चों आपको बीसीके में बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में बिजनेस को सेंस, बिजनेस को चार अलग अलग सेंस में बताया गया है। पहला ये था बच्चों अगर हम वर्क के व्यू पॉइंट से बात करें, अगर हम वर्क के व्यू पॉइंट से बात करें, वर्क काम, तो कहता है बच्चों स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, बिजनेस क्या है जिसमें हम बिजी रहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इज अ बिजनेस। मतलब बच्चों वंस रेगुलर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, अगर एक इंसान रेगुलर ऑक्यूपेशन में और प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो वो बिजनेस है। रेगुलर किसमें इन्वॉल्व है बच्चों, रेगुलर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है और प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो ये बिजनेस है। अच्छा आगे क्या कहता है सुनिएगा, एंटिटी व्यू, एंटिटी व्यू पर आते हैं। देखिए क्या बोलता है बिजनेस में, एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो। अच्छा अगर एंटिटी के नजरिया से तुम बात करो बच्चों बिजनेस, तो बिजनेस कहता है कोई भी एंटिटी बिजनेस है, कोई भी कंपनी बिजनेस है क्योंकि वो बिजनेस कर रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है भाई साहब, कॉरपोरेशन बिजनेस है। अच्छा क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय पीपल बिजनेस है। तो कहता है बच्चों बिजनेस मे बी डिफाइंड एज वंस यूजुअल ऑक्यूपेशन ऑफ क्रिएटिंग ओनिंग एंड एक्टिवली ऑपरेटिंग एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हाँ बच्चों अगर आप कोई एंटी सोशल संस्था चला रहे हैं तब तो नहीं कह सकते उसको हम बिजनेस, लेकिन आप कोई ऐसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी बच्चों दो तरह की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। बच्चों कुछ संस्था जिससे समाज का नुकसान हो जाए तो ये तो नॉन इकोनॉमिक है ना, लेकिन आप चला रहे इकोनॉमिक, इकोनॉमिकली बेनिफिट। फिर देखिए बच्चों फर्दर क्या कहता है, फर्दर कहता है एरिया ऑफ एक्टिविटी। अच्छा अब देखिए बच्चों एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, कह रहा है अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी, चाहे बच्चों आप इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो, ओके आप जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन करते हैं, या आप रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, रिटेल ट्रेड कर रहे हैं, आप आईटी सेक्टर्स आईटी बिजनेस चला रहे हैं, आयरन और इंडस्ट्री चला रहे हैं, मतलब बच्चों इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, ये बिजनेस है। मतलब अगर आप एक्टिविटी के एंगल से बात करें तो ये बिजनेस है, हो सकता है बच्चों ये मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है ये ट्रेडिंग का हो सकता है ये सर्विस का हो, ये भी बिजनेस है। अब देखिएगा एक डेफिनेशन कहता है एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ परचेज है, सेल है, मैन्युफैक्चर है, प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट है और सर्विसेज है, ये है बिजनेस। प्रोसेस व्यू समझ रहे बच्चों, प्रोसेस के व्यू से अगर हम बात करें, प्रोसेस के व्यू से बात करें एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें परचेज इन्वॉल्व है, सेल इन्वॉल्व, मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व, सिंपल ये बिजनेस है। तो बच्चों जब आपको क्लियर हुआ, देखते हो बच्चों बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में हम चीजों को कितना एलोबरेट करके समझना पड़ता है बच्चों, ये 11th जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों। आगे चले क्या कहता है बच्चों, इज एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री, क्या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है एंड हेंस अ बिजनेस। आइए बच्चों इसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहता है बच्चों अगर आप एग्रीकल्चर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हो
तब तो बच्चों ये बिजनेस नहीं है, तब ये बिजनेस नहीं है बच्चों। लेकिन इफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज प्रोसेस्ड, हम प्रोसेस करते हैं, और जो हमारा की मटेरियल है, इंपॉर्टेंट मटेरियल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, देन इट कंप्राइजेस अ इंडस्ट्री और ये हमारा बिजनेस है। समझे बच्चों? अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोसेस कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं बच्चों, तो कहता है तब तो ये बिजनेस है बाबा, ये बिजनेस है। आई बात समझ में? इसको क्या कहता है कि ये बिजनेस है। चलो आगे चले हम लोग। अब देखिए आगे क्या कहता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अच्छा, बिजनेस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आइए जरा समझते हैं। कहता है बच्चों कि हर एक बिजनेस का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है बच्चों, वो तो सर्वाइवल है ना। हर बिजनेस क्या चाहती है बच्चों, वो सबसे पहले खुद को क्या कर सके, बोलो ना बच्चों, वो खुद को क्या कर सके बच्चों, सर्वाइव करा सके, सर्वाइव कर सके सर। हाँ, तो सर्वाइवल हमारा सबसे बड़ा मोटो होता है बच्चों। अच्छा देखिए क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, सर्वाइवल के अंदर भी सब पॉइंट है। कहता है सर्वाइवल इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। बच्चों अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि इसमें से बेसिक ऑब्जेक्टिव कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, सर्वाइवल। सर्वाइवल हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। आगे क्या कहता है बच्चों, फर्दर कहता है कि सर्वाइवल रिप्रेजेंट्स द विल एंड एनेक्सिटी टू रिमेन इन द बिजनेस। बच्चों अगर आप किसी बिजनेस को लेकर बहुत पैशनेट होंगे, आप गोइंग कंसर्न को फॉलो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस चलता रहे, मेंबर में कम एंड मेंबर में गो बट कंपनी गोस फॉरएवर, तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल सबसे बड़ा मोटिव होगा। हाँ, ये भी मैटर करता है बच्चों। बच्चों ये भी मैटर करता है कि बिजनेस का जो सर्वाइवल है ना, वो डिपेंड करता है बच्चों नेचर ऑफ ऑनरशिप पर। जैसे बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप को आप ले लो बच्चों, जैसे मान लो ये मिस्टर एक्स है, इनका एक राशन स्टोर है, और मान लो बच्चों इनका कोविड में डेथ हो गया, बिजनेस बंद, तो कहीं ना कहीं बच्चों बिजनेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि बिजनेस सर्वाइव कितना कर सकता है। नेचर ऑफ ऑनरशिप, नेचर ऑफ बिजनेस, कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंडस्ट्री की हालत क्या है बच्चों, जिस इंडस्ट्री में वो बिजनेस सर्वाइव कर रहे हैं ना बच्चों, उसकी माली हालत क्या है, ये भी मैटर करता है। और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द एंटरप्राइजेस, उस एंटरप्राइजेस का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, ये भी मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है स्टेबिलिटी। अच्छा बच्चों हर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है, अब बिजनेस की बड़ी ऑब्जेक्टिव क्या होती है बच्चों, बिजनेस का स्टेबल होना। बच्चों वो चाहता है कि उसका बिजनेस हमेशा स्टेबल रहे बच्चों, बिजनेस स्टेबल मतलब स्मूथ वर्क फ्लो, बिजनेस स्मूथली मूव करे बच्चों, एफिशिएंसी बेटर रहे बच्चों बिजनेस का। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कहता है बच्चों कि इट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इन हॉस्टाइल एक्सटर्नल एनवायरमेंट। कहने का मतलब बच्चों कि जितने भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट है बच्चों, जैसे पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, उसको हैंडल करने के लिए आपकी कंपनी स्ट्रैटेजी क्या बना रही है। अगर आप टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आप अपने बिजनेस को बच्चों बचा सकते हैं। इसलिए कहता है कि आप कैसा स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। आप बिजनेस को लेकर कितना कॉन्शियस है,
अच्छा कंजर्वेटिव ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ मैनेजेरियल टाइम टैलेंट एंड अदर रिसोर्स. कहने का मतलब बच्चों कि मैनेजमेंट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कितना बेहतर कर सकता है, ये भी मैटर करता है. तीसरा हमारा ग्रोथ. क्या है बच्चों? ग्रोथ. दिस ऑब्जेक्टिव इज इक्वेटेड विथ डायनामिज्म, वैल्यू, प्रॉमिस एंड सक्सेस. अच्छा बच्चों, आपको पता है कि बिजनेस का जो नेचर है वो डायनामिक है, वो वक्त के हिसाब से बदलेगा बच्चों, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होता है बच्चों. तो उस तरीके से आपको भी चेंज लाना पड़ेगा. ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बच्चों. तो सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, अभी तक मैंने आपको तीन सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बताया. अच्छा, ग्रोथ की बात अगर हम करें तो हम लोग चाहते हैं बच्चों कि हमारे बिजनेस का एसेट्स इंक्रीज हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बढ़े, सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज इन मैन पावर एम्प्लॉयमेंट. तो ये सब चीजों का होना बहुत जरूरी है. उसके बाद कहता है बच्चों इफिशियंसी. तो इफिशियंसी इज एन ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्ट आपको एग्जाम का ऑब्जेक्टिव बन सकता है बच्चों. इफिशियंसी क्या है हमारा? इफिशियंसी इज एन ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव. बच्चों ये हमारा ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव बन सकता है. और जाहिर सी बात है बच्चों, हर एक बिजनेस का ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक विजन. ये इकोनॉमिक विजन होता है कि हम टेक्निकली अपने बिजनेस को एडवांस बनाएं, डिजाइनिंग में बच्चों, कलर्स में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, हर एक चीज में आपकी कंपनी इफिशियंट हो, परफॉर्मेंस इंक्रीज करे. तो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव तो कहीं ना कहीं बहुत मोटिव रखता है बच्चों. उसके बाद बच्चों बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी. बच्चों जाहिर सी बात है ना, अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट का तो होना चाहिए, प्रॉफिट का होना जरूरी है. हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात भी कहता है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है. कहता है कि प्रॉफिट इज नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव. बच्चों प्रॉफिट तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है. कहता है बच्चों अकॉर्डिंग टू ट्रिपल बॉटम लाइन टीबीएल अप्रोच ऑफ जॉन किंगटन्स पे अगर हम बात करें बच्चों, तो कहता है कि प्रॉफिट इज नॉट ओनली द बिजनेस ऑब्जेक्टिव. हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे हम बात करते हैं अगर बच्चों, ये बॉटम लाइन रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट और लॉस. लेकिन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? पीपल पे फोकस करना, सोसाइटी पे फोकस करना, कस्टमर पे फोकस करना, समझे बच्चों? तो प्रॉफिट मैटर करता है, लेकिन बच्चों प्रॉफिट हमारा बॉटम लाइन है. सबसे पहले हम सोसाइटी पे फोकस करना चाहते हैं बच्चों, सोशल इक्विटी, समझ रहे बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चों. ये देखिए, चलिए ठीक है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे. सबसे पहले एक बार ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं. ठीक है, आइए लीजिए बच्चों, हम मिनिमाइज कर देते हैं. आप सभी ऑब्जेक्टिव को पहले एक बार रिव्यू कीजिए. क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा? सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, इकोनॉमिक इफिशियंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड अदर्स. अदर्स में हम क्या चाहते हैं बच्चों? सेल्फ रिलायंस होना, टेक्नोलॉजी को इनहांस करना, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ क्रिएट करना, कस्टमर सर्विस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी को इनहांस करना. तो ये हमारा कहीं ना कहीं मोटो है. चलो बच्चों, आप जल्दी से पहले इतने टॉपिक को क्लियर कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे. चलिए, सभी बच्चों ने एक बार इसको रीड कर लिया होगा. आइए,
चाहिए, इसको समझते हैं बच्चों, ये बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, एकदम पैनिक मत कीजिएगा, शांति से समझिएगा, देखिए कितना ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है। क्या कहता है बच्चों कि प्रॉफिट इज नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव। अच्छा प्रॉफिट है, ये नहीं कह रहा बच्चों कि प्रॉफिट नहीं है, समझना बच्चों, ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है बट नॉट ओनली। बच्चों आपको आवाज जा रही है हमारी? यस सर। ओके, तो कहता है बच्चों अब एक कॉन्सेप्ट है, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ट्रिपल बॉटम लाइन। अच्छा ये आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है बच्चों, टीबीएल का फुल फॉर्म ट्रिपल बॉटम लाइन। अच्छा जॉन किंगटन बच्चों एक अप्रोच है, मतलब इनका एक थ्योरी है जिसमें इन्होंने कहा कि प्रॉफिट इज नॉट द ओनली बिजनेस ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट है लेकिन ओनली प्रॉफिट नहीं। कहता है बॉटम लाइन रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा टीबीएल मतलब अलग, देखिए इसको किया गया बच्चों टीबीएल और टीपी, मतलब बच्चों कहता है कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन फॉलोइंग डायमेंशन, पीपल पर, प्लैनेट पर, प्लैनेट कहने का मतलब होता है बच्चों एनवायरमेंट, और प्रॉफिट पर। अच्छा प्रॉफिट को बच्चों बॉटम लाइन में रखा है, देखिए क्या कहता है, पीपल कहने का क्या मतलब है बच्चों, दैट इज सोशल इक्विटी, बॉटम लाइन रिलेट्स टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मोटिवेशन, टिप्स, हेल्थ एंड सेफ्टी, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, एथिकल बिहेवियर। बच्चों कहीं ना कहीं फेयर एंड बेनिफिशियल बिजनेस प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं हम लोग। कहते हैं ना बच्चों, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा भी होगा कि आप फेयर बिजनेस करो, एथिकल बिजनेस करो, पब्लिक को चीट मत करो। तो कहता है बच्चों कि फेयर और एथिकल बिजनेस सबसे पहले, उसके बाद कहता है बच्चों कि आप कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी आपको फोकस करना चाहिए, मतलब हम अपने इकोनॉमी के नेचुरल रिसोर्स, एयर, वाटर, ग्राउंड, इस सब में बच्चों हम वेस्ट का इमिशन ना करें, मतलब अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप कम से कम अपने प्लैनेट, अपने कंट्री की एनवायरमेंट, इकोनॉमी को डिग्रेड तो मत करो, खराब तो मत करो। इसको सेकंड लाइन पे रखा गया बच्चों, और प्रॉफिट है थर्ड लाइन। हाँ लेकिन ये भी फैक्ट है कि रियल इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉयड बाय द होस्ट सोसाइटी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर नहीं होगा बच्चों तो बिजनेस करने में मजा नहीं है। चलिए तो होप सो यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम? No, बोलिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू एवरीवन।